मुनमुन दत्ता वाला विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि तभी युविका ने वही गलती कर दी और अब वह इस मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में टिप्पणी कर दोनों ही एक्ट्रेस बुरा फंस गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है वो एक्ट जिसके तहत पहले तारक मेहता की बबीता जी और अब बिग बॉस की एक्ट्रेस युविका को पुलिस गिरफ्तार कर बैठी। चलिए आपको बताएं क्या है SC ST एक्ट। अब बात करते हैं उस SC ST एक्ट कानून के बारे में जिसके तहत युविका के पर मामला दर्ज किया गया है। आखिर ये कानून क्या कहता है और इसमें कितनी सजा है। पहले तो जान लीजिए कि SC ST एक्ट क्या है। ये एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और 1989 में पारित किया गया था। ये एक्ट या कानून दलितों के खिलाफ होने वाले जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में मदद करता है। इसका मकसद दलितों के प्रति समाज में फैले भेदभाव और अत्याचारों को रोकना है और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाना है। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है या उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है। वहीं SC ST एक्ट की धारा 18 ये कहती है कि जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा, जातिगत टिप्पणी या दलितों को किसी भी तरह से प्रताड़ित करेगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले ना तो किसी जाँच की जरूरत है और ना ही गिरफ्तारी से पहले किसी तरह के आदेश की। इसमें तुरंत जांच और तुरंत कार्रवाई का प्रावधान है। अगर गुनाह सार्वजनिक जगह पर होगा तो अपराध दर्ज किया जाएगा। इस एक्ट के तहत जातिगत या जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर तुरंत ही मामला दर्ज कर लिया जाता है। केस दर्ज होने पर तुरंत गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस तरह के मामलों में सिर्फ हाईकोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। हालांकि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में बदलाव करते हुए तुरंत गिरफ्तारी और तुरंत केस दर्ज करने पर रोक लगा दी थी ताकि शुरुआती जांच के बाद यह पता लगाया जा सके कि कहीं झूठे आरोप लगाकर किसी को फंसाया तो नहीं गया। SC ST एक्ट 1989 के तहत क्या है सजा? इस कानून या एक्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध गैर जमानती है और कड़ी सजा का हकदार है। दोष साबित होने पर आरोपी को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान है।